125 एक पुस्तक है, 225 पुस्तक। और इसमें इसमें बुद्धा का मूर्ति है 1000 इसके अंदर है, 1000 बुद्धा की मूर्ति इसके अंदर है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मृणाल नेगी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वक्त नैनीताल में हूँ और अपने घर पे रुका हूँ। देखिए नैनीताल की वादी और नैनीताल के घर, वो जो आपको पहाड़ी दिख रही है ये वाली पहाड़ी में, यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है आपको, ये टॉप पे ये वाला, ये है आपका हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। अब चलते हैं गेट के बाहर, ये देखिए ये है नैनी लेक और ये टॉप है नैनीताल का सबसे हाईएस्ट, का नाम है नैना पीक, वैसे इसे चीना पीक भी कहते हैं। हाईएस्ट टॉप है नैनीताल का। टैप वाटर से ज़्यादा ठंडा ये स्रोत का पानी है। हाथ देखो लाल पड़ने लग गए हैं, इतना ठंडा पानी है। वो टॉप पे जो आपको कैसल टाइप का दिख रहा है, सेंट जोसेफ स्कूल है ये। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम कुछ ऐसा है, एक साइड पे बादल है, थोड़ा आसमान नीला है। ये पेड़ देखिए, सूखा पेड़, कितना क्लासी लग रहा है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अब हम निकल रहे हैं, नैना मंदिर जा रहे हैं। कल रात तो नहीं जा पाए थे क्योंकि 6 बजे मंदिर बंद हो गया था और हमें 7:30 बज गए थे जब हमने प्लान बनाया मंदिर जाने का। हम पहुँच चुके हैं मॉल रोड में, मॉल रोड का नज़ारा कुछ ऐसा, ये झील है। ना के बराबर है टूरिस्ट, ना के बराबर। झील के साथ ये लीजिए नैनीताल का खूबसूरत नज़ारा, झील का। वो रहा तल्लीताल, ये वाली पहाड़ी है तल्लीताल इस साइड पे, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये है मल्लीताल। हम हैं भोटिया मार्केट में, नैनीताल की भोटिया मार्केट। अभी ओपनिंग टाइम हो रहा है इनका, नैना मंदिर आ गए हम। अभी की हमारी मंजिल यही थी। टेम्परेचर टेस्ट हो गया है, नॉर्मल है टेम्परेचर, दर्शन कर लिए जाए फटाफट, हम यहीं से करने पड़ेंगे बाहर से ही। होनी चाहिए थी लेकिन भीड़ बिल्कुल नहीं है, सारे घंटे ढक रखे हैं कि कोई टच ना हो। ये नैना माता, जूम करता हूँ, अभी अंधेरा हो रहा है अंदर तो इस वजह से दिख नहीं रहा है, शायद आपको कुछ दिख जाए। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये माता है दर्शन, शेर माता के गार्ड्स, ये देखिए। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए नैनीताल आके अगर आप नैना मंदिर नहीं आए तो नैनीताल आने का फायदा नहीं हुआ फिर आपका। Yes guys, we are standing right in front of monastery. As you can see this,
इट्स इवनिंग टाइम, 5:30 हो चुका है। प्लीज ये सर हमें बताएंगे थोड़ा बुद्धे सुन जी, बताइए सर। लॉर्ड बुद्धा का है मंदिर है। हाँ लॉर्ड बुद्धा का, और इसमें है पुस्तक 108 एक पुस्तक है, 108 पुस्तक, 225 एक पुस्तक है, 225 पुस्तक। और इसमें है, इसमें बुद्धा का मूर्ति है 1000 इसके अंदर, 1000 बुद्धा की मूर्ति इसके अंदर है। अच्छा, और इसमें इस मंदिर में तारा देवी का है, तारा देवी का मंदिर, तारा देवी का मंदिर इस साइड पे सेंटर में तो खुला है ना, खुला है ना। अच्छा ये जो विंडो है, विंडो है, ये वाली विंडो है, इसमें तारा देवी का मंदिर है। और सर वाली विंडो में जो उस साइड पे ये है देवी का मंदिर है, देवी का तारा मंदिर और उधर देवी का मंदिर, और बीच में वो गुरु लोग पूजा करता है, वो मूर्ति छुट्टी है, पूजा पाठ करता है। पूजा सर, पूजा का कुछ स्पेसिफिक टाइम होगा? 8 बजे से, सुबह 8 बजे से 15 घंटे, 1-2 घंटा। ओके, सुबह अब आ सकते हैं, सुबह हम आ सकते हैं, इवनिंग टाइम पे क्लोज ही रहेगा क्योंकि यहाँ आजकल पुजारी नहीं है ना। ओके, पुजारी वहीं से आता है, कन्या रखा सा पड़ता है। अच्छा, कर्नाटका, कर्नाटका से बुद्धिस्ट सारे कर्नाटका से आते। आजकल यहाँ बुद्धिस्ट है नहीं है, अभी होंगे यहाँ कुछ। वो पूजा करने के बारे में बताया, मोनेश्वरी के बारे में बताया, सब बताया था। ये वाली विंडो में तारा मंदिर बताया था सर ने, एंड ये वाली देवी में देवी का मंदिर है। गेट ऑफ पैस है सर बता रहे हैं। ओके, आई होप कि आप लोग बुद्धा दिख पा रहे होंगे। ये है, ये रहे लॉर्ड बुद्धा। इसके अंदर 1000 मूर्तियां हैं, अभी तो ये क्लोज्ड है, ताला लगा हुआ है इसमें, और दिया अंदर नहीं जलता है, दिया यहाँ जलता है, ये अंदर है। आई थिंक आपको फ्लेम दिख रही होगी, फ्लेम आपको दिख रही होगी जलने की, ये है फ्लेम, यहाँ जलता है दिया। इसी के साथ ये व्लॉग हम एंड करते हैं। लॉर्ड बुद्धा आप पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।